एक्चुअली टेक्निकली शुरू होता है, आज महापंचमी है। सो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही दिस एनवायरनमेंट इज रियली नाइस। एंड व्हाट आई लाइक टू रियली से इज व्हाट दे हैव डन विद यू नो द इकोलॉजिकली, बिकॉज वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, इवन वी हैव टू सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली। और ये जो यू नो रिसाइकल्ड मटेरियल से सब चीज़ें बनाई हैं, लाइक दिस पिलर्स हैव बीन मेड आउट ऑफ ड्रम्स एंड दिस टेराकोटा आइडल्स हैव बीन ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम एंड इवन द आइडल द वे इट्स बीन मेड, आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स रिस्पॉन्सिबल। और एनवायरमेंट को दिमाग में रखते हुए हम पूजा भी करें या सेलिब्रेट भी करें, सब चीज़ें हमें ये सब चीज़ें हमको थोड़ा सा दिमाग में हमको याद रहना चाहिए। मुझे नहीं मालूम। हाँ मैंने कहा ना एनवायरमेंटली कॉन्शियस, सो प्राकृतिक चीज़ों से बना है, इट्स मेड आउट ऑफ कम्प्लीटली रिसाइकलेबल मटीरियल, विच इज़ व्हाट द आइडल हैज बीन मेड विद, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पंडाल इज लाइक दैट, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज citizens to understand that in days such as these we have to even worship responsibility. Kolkata mein bahut bade paimane pe celebrate kiya jata hai ji, bahut log kar rahe hain aur barkar ke log yahan pe aaye ji, kaise dekhte hain you know Kolkata has its own charm, obviously it's the epicenter of you know the entire you know Bengali culture and Durga Puja ka jo culture hai. Main Bombay mein hu kafi dino se aur देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी यू नो जिस सिंसियरिटी के साथ और जिस भावनाओं के साथ लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो मिस नहीं करता कलकत्ते, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए दुर्गा पूजा तो महत्वपूर्ण इन द सेंस, एज आई सेड उत्सव है, फेस्टिवल है, सो लोग घूमे फिरे नाचे गाएँ, कल्चरल प्रोग्राम है, यही है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये हम लोग 2013 में चालू किए थे, लेकिन हमारा जो दुर्गा पूजा है ये एक्चुअली कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये एक्चुअली कल्चरल फेस्टिवल इसके तौर पे हम लोग इसको देखते हैं। और 2013 में जब हम लोग चालू किए थे, हम लोग ये सोच के चालू किए थे कि दुर्गा पूजा विथ ए पर्पस, नॉट ऑनली सिंपल पूजा, इट शुड बी ऑलवेज विथ ए पर्पस। तो पहले साल में जो हम लोग किए थे वो था एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, ऐसा करके हम लोग हर साल में कोई एक मुद्दा को लेके आगे बढ़ते। तो ये टाइम में हमारा सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो नेचर को लेके है, तो हम लोग जो इस बार कर रहे हैं वो है स्पंदन, प्रकृति स्पंदन, नेचर हार्ट बीट, एक्चुअली हार्ट से आना चाहिए।